मकर संक्रांति पर देश में पतंग उड़ाई जाएगी, लोग एक दूसरे की पतंग काटेंगे। हमारा निवेदन है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पतंगबाजी करें। लेकिन देश में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद पक्षियों और मुर्गियों पर ये लक्षण पाए गए हैं, जिसके चलते कई कौवा, कबूतर और मुर्गियों की मौत हो चुकी है। वहीं हर वर्ष मकर संक्रांति पर पतंग के धागे के चलते कई पक्षियों के घायल होने की सूचना आती थी, साथ ही कई पक्षियों की मौत तक हो जाती थी। लेकिन पतंगबाज उड़ाने से बाज नहीं आते थे। वैसे तो पूरे देश में चाइना उत्पादन प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी कई व्यापारी चाइना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के काछी मोहल्ला स्थित पतंग बाजार की, जहाँ पर चाइना की डोर बड़ी आसानी से मिल रहा है, जिस पर शासन प्रशासन का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि चाइना धागे बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सांसद शंकर लालवानी ने चाइना डोर के शहर में चोरी छिपे बेचने के लेकर कहा कि इस तरह के धागों से पक्षियों की काफ़ी नुकसान होता है, ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर की रिपोर्ट। तो लोग तो बेच रहे हैं अभी भी कुछ पतंग वाले, लोग बेच रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। अभी बटी बहुत सारी जगह लगी हुई है, अभी वैक्सीनेशन में है, थोड़ा भी जैसे समय मिलेगा एक दो तीन कुछ दुकानों को सील किया जाएगा। सर, चाइना की डोर प्रतिबंधित होने के बाद भी आज भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। नहीं, प्रशासन ने ऑर्डर जारी किया 144 में, और संबंधित SDM चेक करेंगे। और हमने कहा चाइना की डोर होना नहीं चाहिए, उसकी दुर्घटनाएं होती है, और पिछले वर्ष भी लगाया था, और मुझे लगता है कि आज और कल और परसों तीनों दिन संबंधित SDM अपने अपने क्षेत्रों में दौरा करके इस पे रोक लगाएंगे। सर, देश के नंबर वन सांसद में आपकी भूमिका रही है, आगे की और क्या योजना है इसका? देखिए, नंबर वन नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी कहा था कि आने वाला अवसर बहुत चुनौतीपूर्ण है, और चुनौती में आपको अवसर ही मिलेंगे। तो हम सब ने मिलकर प्रयास किया, इस कोविड में जो इंदौर देश में टॉप 3 में था, उसको निकालने का प्रयास किया, और ये इंदौर के सभी का सामूहिक प्रयास है। यह पुरस्कार मेरा नहीं है, इंदौर की जनता का है। सर, बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे रखी है, कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, कदम भी उठाए। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, और हमने पक्षियों के जहाँ जहाँ पर टेस्टिंग लेना है टेस्टिंग ले रहे हैं। चिड़ियाघर की भी बात आ रही है, चिड़ियाघर में भी हमारा ध्यान है, और जहाँ जहाँ पोल्ट्री फार्म है वहाँ जाँच करने के लिए कहा गया कि चिकन में नहीं आए। और मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि थोड़े दिन अभी चिकन न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।